आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। कैसल बहुत बड़ा कैसल है, इस कैसल के छोटे छोटे पार्ट्स यहाँ पर दे रखे हैं। आप इसको बनाना चाहते हो आप इसको ऐसे करके मैनेज करके बना सकते हो। प्रोपोर्शन दे रखा है तो आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। ये प्रोस्पेक्टिव का पूरा पार्ट है क्या, ये नीचे से ऊपर दिखाया हुआ है, तो थोड़ा सा अगर आप समझोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, इमेजेस जैसे ये कलेक्शन दे रखा है, ये पूरा पूरा सीन ऐसा है, बनाओगे तो आप ऐसे बना सकते हो। ठीक है, तो एक इमेज एक काम करिए, देखो दो तरीके हैं। जो जो हमारे नए नए स्टूडेंट्स हैं ना, उनको समझ में नहीं आता भाई ये प्रोपोर्शन कैसे मैनेज करें। प्रोपोर्शन के लिए आपको थोड़ा सा मैं गाइड कर देता हूँ। जैसे देखो मेरे से ये पार्ट है, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सी प्रेस कर दिया, यहाँ पे गए कंट्रोल डी एंड सी फॉर क्रॉप। ठीक है, इतना पार्ट को मैंने कर दिया, क्रॉप होगा, एंटर कर दो। ये चीज़ मुझे अगर बनाना है तो मैं कैसे बनाने वाला हूँ। दूसरी चीज़, इसको पकड़ो कंट्रोल टी कर दो। ठीक है, अभी देखो सीधा नहीं है, जब मतलब चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन क्या होता है कि आपको पता ही नहीं तो आप कैसे बनाने वाला। कंट्रोल टी कर दो, इसे इसे थोड़ा सा सीधा करो यहाँ पे। ठीक है, ये आप इसको थोड़ा सा अगर मैनेज कर लो तो आपका काम आसान हो जाएगा। क्या कंट्रोल आर प्रेस करो, फोर स्ट्रोक को यूज़ कर लो। अगर आपको परस्पेक्टिव मॉडलिंग की नॉलेज है, देखना यहाँ पे ये लाइन है मेरे पास, यहाँ पे इस लाइन के अकॉर्डिंग मुझे चीज़ों को मैनेज करके दे देना है आपको। अगर आप इसको मैनेज कर दोगे तो आपको यहाँ पे काम आसान हो जाएगा। ये काफ़ी लोग समझते नहीं हो, उन लोगों का हालत ऐसा होता है कि सर करे तो करे कैसे। ठीक है, ये पार्ट मैंने कर दिया, अभी फिलहाल में मैंने इसको ऐसे ही करके सेव कर देना है। यहाँ पे गए सॉलिड कलर कर दिया, पीछे का जो कलर है बहुत ही डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, मैंने ये कर दिया। ठीक है, अभी छोटे छोटे पार्ट को कट करके यहाँ पे सेव कर लो, फाइल सेव है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, जेपैक और यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, पिलर आप यहाँ पे सेव कर लो। ओके, तो मैं गया माया में, माया में जाके यहाँ पे क्या करो, फ्रंट में जाके आप इसे मैनेज कर लो। यहाँ पे गए व्यू पे गए, यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया, कंट्रोल वी देन एंटर, यहाँ से कर देखो ऑल फाइल्स है यहाँ पे। ये शक्तिमान वाली फाइल आगे मेरे पास, यहाँ पे चलते कैसल वाले फाइल पे। ठीक है, आप कंट्रोल वी करो, एंटर करो, यहाँ पे पिलर आपके यहाँ पे दिख जाएगा। इसे आप लेकर बनाना स्टार्ट करो, एक एक चीज़ को आप लो और मैनेज करना स्टार्ट करो। एक ही चीज़ देखो, आप चीज़ें बहुत ईजी हैं अगर आप इसे बनाओगे, और खासकर इसे नर्व्स से बनाओगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। जैसे आप लोग नर्व्स मॉडलिंग यूज़ नहीं करते, ये पिलर है तो अगर मैं बोलूँ भाई मुझे बॉक्स बनाना है तो मैं बॉक्स बना सकता हूँ। देखो देखना, यहाँ पे गए सबसे पहले काम नर्व्स पे गए, यहाँ पे नर्व्स नहीं किसी भी कर्व ले लो, क्या सी वी कर्व टूल लो आप यहाँ पे। इन चीज़ों को थोड़ा तो मैनेज करो, मैनेज कैसे कर सकते हैं यहाँ पे, ये मैंने पार्ट यहाँ से लिया। ठीक है, ये देखो जब तीन पॉइंट पर स्मूथ होता है तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना, वन टू थ्री, यहाँ से यहाँ तक मैंने काम कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ये कुछ एक पॉइंट मुझे ऐसा नजर आ, बाद में तो बहुत मॉडिफाई करना चाहो तो मॉडिफाई करके देख सकते हो आप यहाँ पे। ओके, यहाँ सब चीज़ों का ऐसे मैनेज करो, ये पॉइंट आपने दिया आपने। ओके, आप नॉर्मल चीज़ों का ऐसे भी आप मैनेज करके दोगे तो आपका यहाँ पे काम आसान हो जाएगा। सिर्फ प्रेस करके यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर दो। ठीक है, ये देखो ये पैटर्न लिया मैंने, अब मुझे क्या कर देना, ये यहाँ तक मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पर। ठीक है, ये पैटर्न दिया, मैं बेसिक शेप में ऐसे एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, अगर मुझे एक्सट्रैक्ट करना है तो आप ऐसे कर लो। ठीक है, यहाँ पे चीज़ों का मैनेज करो, राइट क्लिक एंड कंट्रोल वर्टेक्स, तो यहाँ से मैंने सेट कर दिया है पार्ट में, बस यहाँ पर आ गया। ठीक, ये एक बेसिक सा पैटर्न मैंने बना लिया। अभी यहाँ पे मुझे क्या करना है, बॉक्स ले लेना है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, क्रिएट पे गए और पॉलीक्यूब लिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैंने सेट कर दिया, ये मैनेज कर दिया यहाँ पर, मुझे सिर्फ इसको पकड़ना है। ध्यान देना, ये जो पार्ट देखना है यहाँ पे आर फॉर स्केल, ये जो पैटर्न दिया मैंने यहाँ पे, ये जो पैटर्न दिख रहा है, इस पैटर्न के साथ अगर मैं थोड़ा सा मैनेज कर दूँ यहाँ पे, तो काइंड ऑफ मेरे पास यहाँ पे चीज़ें तो वह देखिएगा यहाँ पे। तो अगर मैं चीज़ों को ऐसे मैनेज करूँ तो मैं सिंपली पार्ट को लेके घिंच के मैं बैलेंस करके देख सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर हम लोग गए, ये मेरे पास रेफरेंस है, रेफरेंस को मैंने कर दिया ऑफ। ठीक है, यहाँ पर मैं पार्ट देखते हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं गया सिंपल सा पार्ट, यहाँ से स्विच करो मॉडलिंग पे, मॉडलिंग में सरफेस हो गया मेरे पास, देखो लॉफ्ट है, रिवॉल्व रिवॉल्व करके देखें यहाँ पे, रिवॉल्व कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, रिवॉल्व करोगे ये पार्ट आपको यहाँ पे देखेगा, इसके अंदर आप देखो यहाँ पे क्यूबिक है, लीनियर। ठीक है, 360 है, मैंने कर दिया 4, काम खत्म। ठीक है, ये चीज़ को यूजुअली लोग ध्यान ही नहीं देते, देखो आपको ये इतना बेसिक सा पार्ट था। ठीक है, सरफेस पे गए, आपने रिवर्स कर दिया, तो आपको ये बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये सिंपल सा पैटर्न आप यहाँ पे मैनेज करोगे आपके यहाँ पे काम हो जाएगा आपके यहाँ पे। ठीक है, फ्रंट में गए, ये दिखाएं
4 प्रेस कर दिया। अभी मैं इसको रोटेट करना, मैं रोटेट करके देख सकता हूँ मेरे पास एक बेसिक पैटर्न मुझे मिल गया है। ठीक है, आपको ये ध्यान देना, ये जो आपने पैटर्न दिया इसको आपको जो मॉडल को लेना है, आप यहाँ पे गए एडिट में गए एंड डिलीट हिस्ट्री, रोटेशन पे जाओ, रोटेशन लिया आपने, यहाँ पे ये आपने कर दिया। अब यहाँ पे मुझे लगता है शायद -45 करने से काम हो जाएगा, तो ये हो गया। ठीक है, तो आप चीज़ों का मैनेज कर सकते हो, ये यहाँ पे काम खत्म, तो इसको मैंने ऐसे मैनेज कर दिया। ठीक है, ये पीछे की तरफ मुझे ऐसा लगा तो थोड़ा बड़ा भी है, अभी इसको मैं कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो ब्रिज है, ब्रिज के साथ आप यहाँ पर चीज़ों को मैनेज करोगे तो ये आपका पैटर्न क्या मिलने वाला है, राइट क्लिक एंड कंट्रोल वर्टेक्स। ठीक है, मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, मैंने इसे सेलेक्ट कर दिया, इसको मैं यहाँ पे चाहूँ तो जैसे कंट्रोल वर्टेक्स है यहाँ से, देख रहे ये पीछे का पैटर्न मैं यहाँ से कवर अप कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे चीज़ अब ख़राब हो रही है ना, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, इसको मैं कन्वर्ट कर लूँगा, मॉडिफाई में गए एंड कन्वर्ट नर्व्स टू पॉलीगन। ठीक है, सेगमेंट्स एंड ऑल दो थिंग ध्यान रखना, क्वाड कर रखा है यहाँ पे, जनरल पे गए, यहाँ से फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन, फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन, ये देखो यहाँ पे आपका नंबर 1/1 है यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ पे 1 एंड 1 करके देखो, अप्लाई करके देखो, दिख रहा है आपके पास, आपको ये पॉली मॉडल रेडी है। ठीक है, पॉली मॉडल आपके पास यहाँ पे आ गया, आपने यहाँ पे क्या कर देना है, H4 राइट, ये नर्व्स वाले मॉडल को बैकअप में आप रखना चाहो रख सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच ये कर दिया हमने यहाँ पे, अभी यहाँ पे जाओ वर्टेक्स पे गए। ठीक है, यहाँ से आपने सेलेक्ट कर दिया, देन आप इसे मूव करके लेके चल सकते हो आप यहाँ, देख रहे हैं आपके पास, अभी यहाँ से जो दिख रहा है यहाँ पे डेप्थ, ये कितना डेप्थ है, इस डेप्थ को आप यहाँ से एक प्रोस्पेक्टिव एंगल से आप चीज़ों को मैनेज करोगे तो आपका यहाँ पे चीज़ देखिएगा, मेरे पास चीज़ें ऐसी कुछ नज़र आ रही हैं यहाँ पे, प्रोस्पेक्टिव है, याद रखना है, प्रोस्पेक्टिव ही देते हैं, फ्रंट है नहीं देते यहाँ पे। ठीक है, अब इन चीज़ों को मैंने देखा, मेरे पास यहाँ पे सेप्स है, जैसे मैंने एक बॉक्स ले रखा है यहाँ पे, देखो बॉक्स का जो पार्ट दे रखा मैंने, ये पार्ट मैंने यहाँ पे दे रखा, इसके अकॉर्डिंग मैं चीज़ों को मैं मैनेज करने वाला हूँ। ठीक है, ये मस्त पार्ट है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो अगर मैं यहाँ पे गया पर्सपेक्टिव में गए, फोकस कर दिया मैंने यहाँ पे, ओके इसको मैंने इधर और इधर कर दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ से अगर सपोज मैंने इसको यहाँ पे लिया तो मैं इसको इसके अकॉर्डिंग मैं मैनेज करूँगा यहाँ पे, दिख रहा है यहाँ पे, ऐसे करके मैं मैनेज कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा। आप ऐसे करके ब्लॉकिंग वाइज चीज़ों को मैनेज करके सेट कर सकते हो यहाँ पे, ये पार्ट मेरे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से मैंने सेट कर दिया, राइट क्लिक एंड वर्टेक्स, यहाँ से थोड़ा सा मुझे जो कस्टमाइज़ करना हो थोड़ा सा मैं इधर से मैं कस्टमाइज़ करूँगा, ये बेसिक सा पैटर्न आप यहाँ पे दे सकते हो, क्योंकि ये आपको चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करके चलना है। ठीक है, अभी ये जो मैंने पैटर्न किया, मैंने कहा भाई मुझे यहाँ पे चीज़ें चाहिए, तो मैंने यहाँ पे सेट किया, ये तो बहुत इधर कर रखा है मैंने यहाँ पे। ठीक है, अभी आप चाहो इसको भी एक्सट्रूड करना चाहो, इसको भी एक्सट्रूड कर दो, ये पैटर्न आपने यहाँ पे दे रखा। ठीक है, R4 स्केल, अलग अलग ऑब्जेक्ट को बनाना स्टार्ट करो, ये आपने काम कर दिया यहाँ पे, मैंने क्या किया वर्टेक्स पे गया और देन इसको मैंने खींच के ऊपर कर दिया यहाँ पे। नर्व्स को जितना अच्छा यूज़ कर सको उतना ज़्यादा बेटर है। देखो यहाँ पे अभी ये पैटर्न, अगर आपको लगता है नर्व्स नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे एक्सट्रूड करके भी काम कर सकते हो। जो सपोज मैंने कहा भाई चल मैंने ऐसा कुछ काम किया तो मैंने यहाँ पे क्या किया फेसिस सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पर लॉक कर दो आप यहाँ पे, तो एक्सट्रूड वाला प्रोसेस भी बता देता हूँ। देखो शिफ्ट एंड एक्सट्रूड यहाँ पे गए, R4 स्केल आप ऐसे भी मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, और आपने क्या किया शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, दिख रहे हैं यहाँ पे तो सा सीधे मैं खींच लेता हूँ, इतना पैटर्न दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ठीक है, फिर R प्रेस कर दे शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, फिर शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, ये पैटर्न मैं यहाँ से भी दे सकता हूँ। ठीक है, फिर शिफ्ट एंड एक्सट्रूड ये किया हमने यहाँ पे, और देन शिफ्ट एंड एक्सट्रूड ये पैटर्न भी यहाँ पे मैं कर सकता हूँ। तो जो सा अच्छा लगे, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे, जो सा पैटर्न आपको अच्छा लगे आप यहाँ से चीज़ों को मैनेज करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड ये दिख रहा है यहाँ पे, और देन चीज़ों को आप मैनेज करते देखोगे तो आपको चीज़ें यहाँ पे तो बैठे देखे शिफ्ट एंड एक्सट्रूड ये दिख रहा है, ये पैटर्न मैंने यहाँ पे दिया, ओके, और फिर शिफ्ट एंड एक्सट्रूड यहाँ पे कर दिया मैंने, तो और सा चीज़ों को ऐसे मैं मैनेज कर देता हूँ। देन शिफ्ट एंड एक्सट्रूड यहाँ पे कर दिया मैंने यहाँ पे, देन R4 स्केल ये ऐसे करके मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ। तो ये पैटर्न है जिसके थ्रू आप यहाँ पे कोई भी काम करना चाहो तो कर सकते हो। सेप से अलग अलग ये सेप्स नज़र आ रहा है, आप इसे CV कर्व टूल से बना सकते हो। जैसे सपोज एक पैटर्न मैं आपको बना के देता हूँ, यहाँ पे मैं गया 4 एंड 5 यहाँ पे गए। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या किया सेलेक्ट कर दिया, फेसेस हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना, देखो इधर इधर जो दिख रहा है ना, यहाँ पे गए सिंपल सा पार्ट एक, इसको आप एक्सट्रैक्ट करोगे तो ज़्यादा बेटर है। मॉडलिंग में जाकर अगर आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो तो चीज़ों को ज़्यादा बेटर आप यहाँ पे चीज़ों को दिखा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया फ्रंट पे गया, पहले मैं यहाँ पे सेप्स को लेके बना देता हूँ। ठीक है, 4 प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, यहाँ दिख रहा सेप्स ऐसे कुछ पार्ट यहाँ पे करो, इसको आपको क्या करना है एक मेक लाइव करके ऑप्शन होता है यहाँ पे, मेक लाइव कर दिया आपने, क्या कर दिया क्रिएट में गए, आपको पास आपको मिलता है CV कर्व टूल, यहाँ लो जूम कर लेना इस शेप्स को आप यहाँ पे देखो। ठीक है, अब ये कर्व आपके पास यहाँ से यहाँ तक, अभी आप चाहो इसको आप ऐसे ऐसे भी देख के मैनेज करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे।
ठीक है, ये पैटर्न आपने दिया, अपने पैटर्न लिया एंड देन वी एन स्नैप। ठीक है, सेव्स को जितना अच्छा आप मैनेज कर सकते हो मैनेज कर देना। ओह सॉरी, ठीक है, देखना यहाँ पे, अब यहाँ पे स्नैप जा रहा है, स्नैप में बस कुछ ऑन तो नहीं है, ये ऑफ कर दें। यहाँ पे कर्व जितना मैनेज कर सकते हो मैनेज कर लो। ओके, अभी देखो ये सेव मैंने दिया, ये जितना हो सकता है उतना नॉइस मॉडलिंग से करोगे तो आपके लिए बहुत बेटर है। ठीक है, अभी ये सरफेस पर यह है, मैंने मेक लाइफ किया, उसका मोटिव ये था। अभी यहाँ से मैंने क्या किया, क्रिएट में गए, क्रिएट में जाके मैंने क्या किया, नॉक्स में गए, यहाँ पर मैंने कर दिया सर्कल, सर्कल लिया, आर फॉर स्केल, डब्ल्यू प्रेस कर दो, इसको सिलेक्ट कर दिया, इसको सिलेक्ट कर दिया मैंने। ठीक है, सरफेस पे गए, एक्सट्रूड हाइट पार्ट कंपोनेंट अप्लाई कर दिया यहाँ पे। ठीक है, सिलेक्ट करो आर फॉर स्केल, है इन सब चीज़ों का अगर आप ऐसे बनाने वाले हो तो आपका काम कभी भी रुकेगा ही नहीं। सरफेस रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है, अभी देखो यहाँ पे आपको एक मैजिक दिखाता हूँ। यहाँ पे ये दिख रहा है, यहाँ से मैं लेके तो ऊपर लेके गया, तो मैं सीधी कैसे जा रही, ऐसे जा रही है यहाँ पे। ठीक है, मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको डिलीट कर दिया मैंने यहाँ पे, इसको उठा के सी एंड विलोज बटन पास लिख रहा ताकि तुम्हें आइडिया मिले। क्या फिर से वही ऑप्शन मैं कर देता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे दिस वन, मेक लाइफ मैंने यहाँ पे ऑफ किया, ये और ये पैटर्न मैंने दिया, अप्लाई कर दिया। ठीक है, अभी देखो यहाँ से मुझे पॉइंटेड बनाना है, सरफेस एंड रिवर्स डायरेक्शन, ये देखना अभी, अभी यहाँ से मैंने कर्व लिया, कंट्रोल वर्टेक्स पे गया, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, पॉइंटेड बनाना है, तो मैं यहाँ पे इन दोनों को सिलेक्ट करके, जैसे भी रिगिंग में किया ना हम लोगों ने, अभी है पॉसिबल, ये आप बैठे बैठे बनाते हैं थक जाओगे, ये फटाफट बन जाएगा। तो आई सजेस्ट इस टाइप की चीज़ों को आप नॉर्स के साथ थोड़ा डील कर लो। देखो देखना अभी इतना पॉइंटेड आप बनाते हो, सोचो कि भाई हुआ कैसा, कैसे क्या काम करना है, तो ये चीज़ों का पैसे मैनेज करो, बाद में जोड़ना जोड़ दो। बेसिक चीज़ तो मैंने जहाँ तक मिलता है आपको मैंने बताई रखा कि बेसिक्स में आप कैसे क्या काम कर सकते हो। ठीक है, यहाँ सब गए, थोड़ा आर फॉर स्किल और पॉइंटेड करके मैनेज कर दो, देखो कितना बढ़िया निकल गया, इतना बढ़िया स्पेक्युलर एंड ऑल दो थिंग सब कुछ यहाँ पर नज़र आने वाला है। तो एडिट में गए एंड डिलीट हिस्ट्री, एक बार मैं यहाँ पे सिंपल सा एक पैटर्न बता देता हूँ, यहाँ पे एक ही पे बता रहा हूँ, सब में ही होना है। देखना अभी ये दूसरा तीसरा एंड चौथा, यहाँ पे शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, एक्सट्रूड कर दो यहाँ पे, यहाँ पे क्या होता है ऑफसेट होता है, यहाँ पे ऑफसेट में की फेस टुगेदर ऑफ कर दोगे तो आपके यहाँ पे काम होगा। यहाँ पे देखना यहाँ पे इतना पैटर्न लिया मैंने, यहाँ पे इतने पैटर्न लेने के बाद आज शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया मैंने यहाँ पे। देखना यहाँ पे ऐसे पैटर्न मैंने लिया, तो मैं ऐसे भी करके मैं मैनेज कर सकता हूँ पे, और देन ये जो पैटर्न मैंने लिया इसके साथ मैं मैनेज करके दूँ, तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है, एडिट में गए, डिलीट बाय हिस्ट्री, हिस्ट्री कर दिया मैंने यहाँ पे, और देन पैटर्न को मॉडिफाई इन सेंटर पावर ये कर दिया, फ्रंट में गए। ठीक है, देखना यहाँ पे आप यहाँ पे वायरफ्रेम ऑन कर देना, देखना ये पैटर्न मैंने यहाँ पे लिया, एंड देन आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कंट्रोल डी कर दो, डुप्लीकेट कर दो आप यहाँ पे, तो फॉर टाइमिंग सेफ्टी डी सेफ्टी सेफ्टी काम हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, ऐसे करके मैनेज कर देंगे तो वैसे ये काम हो जाएगा, इसी को जस्ट डुप्लीकेट करके छोटा 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 कर दो यहाँ पे, तो काम आपका हो ही जाना है। ये जो पैटर्न दिखा यहाँ पे, ये सेलेक्ट कर रखा है। ठीक है, आप यहाँ पे गए, फ्रंट पे गए। ठीक है, अभी सपोज मैंने इसको पूरे पैटर्न को मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है, कंट्रोल डी कर दिया, तो कंट्रोल डी करके यहाँ पे लिया, ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ, थोड़ा सा छोटा करोगे एंड शिफ्ट डी कर दिया मैंने यहाँ पे, आएगा। अब इसको मैनेज करते हैं यहाँ पे, यहाँ से चीज़ों को छोटा कर दो, ये सब सेम है, ये सब चीज़ें सेम ही है, बस आपको यहाँ पे क्या करना है भाई, मुझे यहाँ पे जो चीज़ों को मुझे लेना है ये पैटर्न मैंने यहाँ तक दे दिया यहाँ पे, यहाँ पे गए इस पैटर्न को लिया, ये बैठोगे ना एक दिन में ख़त्म हो जाना है, अगर आप चीज़ों को देखो ऐसे ऐसे कॉम्प्लेक्स चीज़ों को तो आप आराम से ख़त्म कर सकते हो, बस आप में डेडिकेशन होना चाहिए कि आप यहाँ पे काम कर रहे हो और चीज़ों को कैसे फुलफिल करना है। ठीक है, देखना यहाँ पे, अब या तो मैं इस वाले पूरे पैटर्न को मैंने यहाँ पे लिया, तो मैं सिंपल सी चीज़ें इसको मैं या तो ऊपर से नीचे मैनेज कर दूँगा, देखो यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे किया, ये पैटर्न मैं यहाँ पे यहाँ पे से दिखेगा, ऐसे कर दो, नीचे वालों को हटा दो, डिस्प्ले कर दिया, इसको डिस्प्ले कर दिया, ये हटा दो, ठीक है, फोर एंड फाइव, तो बेसिक चीज़ तो आपको यहीं से मिल जाएगा, आपको क्या करना है, देखो ऊपर के जितने पार्ट है सब सी वी कर्व से आप ड्रॉ करके मैनेज कर दो, ये जितने कॉम्प्लेक्स है बना के लाओ, फिर मैं उसमें आपको करेक्शन बताऊँगा कि कैसे क्या क्या काम कर सकते हैं क्या।